गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। MBA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट के जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग यूनिट्स में वो है ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी क्या होती है? ब्रांड इक्विटी रिफर्स टू द एडिशनल वैल्यू दैट अ कस्टमर अटैचेस विद द ब्रांड, दैट इज इट इज यूनिक फ्रॉम ऑल अदर ब्रांड्स। एक एडिशनल वैल्यू जो कस्टमर एड ऑन कर लेता है ब्रांड के साथ, जिससे कि वो बाकी ब्रांड से यूनिक हो जाए, या फिर अगर और सिंपल वर्ड में कहा हो जाए तो ब्रांड इक्विटी मीन्स अवेयरनेस, परसेप्शन, लॉयल्टी ऑफ अ कस्टमर टुवर्ड्स द ब्रांड। किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ जो कस्टमर का अवेयरनेस है, परसेप्शन है, उसे हम ब्रांड इक्विटी कहते हैं। जैसे कि एडिशनल वैल्यू ऑफ कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर अंकल चिप्स अग्रीज एंड ग्लोबल चिप्स। भाई फॉर एग्जाम्पल आपको चिप्स लेना है, बट अंकल चिप्स और लोकल चिप्स में फर्क है, जैसे लेज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वो एक लॉयल्टी है जिसके लिए कस्टमर एक्स्ट्रा भी पे करने को तैयार है, एडिशनल। कि भाई नॉर्मल कोई चीज़ अगर 5 रुपए की मिल रही है तो आप उसको 7 रुपए में भी दे रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए लॉयल हैं, वो आपके लिए एक ब्रांड है। ठीक है, तो ब्रांड इक्विटी में बेसिकली गुडविल जो है वो गेन होती है, अवेयरनेस, नॉलेज, रिस्पॉन्स। किस तरह लोग अवेयर हैं ब्रांड से, उसकी नॉलेज उन्हें कितनी है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, या फिर ब्रांड इक्विटी उसको कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल्स दिए हैं कि फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट बहुत सारे हैं, बट हम लोग की ब्रांड लॉयल्टी देखिए कि अगर आप नॉर्मली मार्केट में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि कोलगेट दे दीजिए। कोलगेट इज बेसिकली वन ऑफ द नेम ऑफ दैट ब्रांड, वो एक टूथपेस्ट ही है, बट कोलगेट के नाम से लोग उसको खरीद रहे हैं। वो टूथपेस्ट बोलना भी पसंद नहीं करते कि भाई कोलगेट दे दीजिए। तो इतना ज्यादा ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी उसने मेंटेन की है। ठीक है, ब्रांड इक्विटी कैन बी सेड इन द वे कस्टमर थिंक, फील्स और परसीव। ठीक है, अब इसको स्टडी करते हैं तीन तरीके से। डिफरेंट रिस्पॉन्सेज ऑफ अ कस्टमर, प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कस्टमर पॉजिटिव भी सोचता है और नेगेटिव भी सोचता है। ठीक है, रिस्पॉन्सेज कैन बी जनरेटेड ओनली कस्टमर हैव अ सफिशिएंट नॉलेज। अगर उसको नॉलेज होगी तो ही आप पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एंड कस्टमर रिस्पॉन्स दैट आंसर्स द ब्रांड वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मार्केटिंग ऑफ द ब्रांड। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है और ब्रांड की मार्केटिंग कैसी है, ये तीनों चीजें पर डिपेंड होती है आपकी ब्रांड इक्विटी। बहुत सारे अप्रोचेज इससे पढ़े जाते हैं, और जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ये एक अप्रोच होती है दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे निकल सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा अब इसकी क्या चीज होती है, जैसे कि स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, कि आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि आपने प्रोडक्ट सर्विस को कम कॉस्ट में बना दिया और कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, कि हम इतना दे रहे हैं बाकी चाहे कितना भी दे रहे हैं उनसे कम में हमने बना दिया। डिफरेंशिएट कि आपने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट रखा है, माइटी मॉडल रिकमेंडेड की कोई गुड सेल्स अंडरस्टैंड आउट कि अगर आप थोड़ा सा अलग रखेंगे। फोकस स्ट्रैटेजी कि आपने फोकस किया फ्यू टारगेट मार्केट, सब जगह नहीं फैलना है बट जितनी जगह उतनी जगह बिल्कुल फोकस रहकर काम करना, कि ये स्ट्रैटेजी होती है। वेन द बिजनेस कैन फाइंड द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द प्राइस एंड क्वालिटी तो वो एक सक्सेसफुल बन जाता है। इसके अलावा इंटरनल एनवायरमेंट जिसमें विरोध रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि वैल्यूएबल रेयर हार्ड कल्टीवेट एंड ऑर्गेनाइज, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कॉम्पिटिटर्स को आपसे सुपीरियर बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रांड ब्यूटी है, कल्चर है, नो हाउ है, रेपुटेशन मतलब गुडविल है। यूनिक कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, ऐसी कॉम्पिटेंसी एबिलिटी टू परफॉर्म सक्सेसफुली, क्लस्टर ऑफ स्किल्स, बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली अगर आपके अंदर करने की कैपेबिलिटी है। इनोवेटिव है जब आप कुछ नया कर रहे हैं। एक्सटर्नल चेंजेस में भी कई बार होता है, जैसे कि प्रेस का मतलब आपको पता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। तो यहाँ पर अगर आप इन्हें ग्रैप कर पा रहे हैं कि एज फास्ट एज यू यू रिकवर द चेंजेस, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड इक्विटी एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो एक कंपनी को मिल सकती है अगर वो उस पर वर्क करे, उसकी नॉलेज उसको पूरी हो तो वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकता है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो एनवायरमेंट क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर दैट इज क्लोज टू द बिजनेस दैट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ऑपरेशंस एंड सक्सेस। बिफोर डिसाइडिंग कॉर्पोरेटिव स्ट्रैटेजी बिजनेस शुड कैरी आउट ऑल फुल एनालिसिस ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। ऐसा एनवायरमेंट जो बिजनेस से डायरेक्टली जुड़ा है, जैसे डायग्राम के थ्रू आप देख पा रहे हैं कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मीडिया हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये सब माइक्रो एनवायरमेंट के पार्ट होते हैं। कस्टमर्स क्या होते हैं और भी बिजनेस नीड्स का नीड कस्टमर, तो ये भी सेल्फ ओरिएंटेड अराउंड द कस्टमर्स। तो जो भी कंपनी प्लान करेगी वो कस्टमर को रिटेन और अट्रैक्ट करने के लिए करती है। अगला जो माइक्रो एनवायरमेंट का एलिमेंट होता है वो एम्प्लॉयज को कहते हैं। एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट से लेकर उनके प्रमोशन अपॉर्चुनिटी तक की सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। अगर आपका स्किल स्टाफ है वो
मोटिवेटेड है तो आप ऑब्वियसली कि आपकी सेल्स डेवलपमेंट भी अच्छी रहेगी। सप्लायर्स की बात करें तो मटेरियल सप्लाई करते हैं तो हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स द सप्लायर इज ऑल्सो इम्पैक्टफुल फॉर द बिजनेस सक्सेस। जैसा आपका सप्लायर्स के साथ बिहेवियर है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर पुअर सर्विस दे रहे हैं तो इट वुड इंक्रीज द टाइम टू प्रोड्यूस क्वालिटी, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है तो वो हमें मेंटेन करनी होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की, मे डिसाइड टू रेज द मनी बाय फ्लोटिंग द स्टॉक इन द मार्केट, तो ये भी इंटरनेट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीडिया के पास पॉजिटिव एक हमारा रोल होना चाहिए। नेगेटिव मीडिया टेंशन कैन ब्रेक डाउन द कंपनी, भाई ऑब्वियसली बात है मीडिया जो है कंपनी को उठा भी सकती है गिरा भी सकती है, तो नेगेटिव ब्रेकडाउन हमारा नहीं होना चाहिए। वे इवनली एम्प्लॉय पब्लिक रिलेशंस एंड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम एंड मैनेज अ पर्टिकुलर इवेंट्स, कस्टमर टेलीविजन प्रोग्राम्स वगैरह जो आते हैं। इसके बाद आता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स मतलब मार्केट में डिफ्रेंसिएशन का गेम है, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरा क्या बना रहा है उसके क्या अलग है, तो ये कॉम्पिटिशन जो है आप अपनी यूएसपी से जीत सकते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बीट द कॉम्पिटिटर्स, द मार्केट कैन मूव वेरी क्विकली। फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में फर्क आ गया, तुरंत मार्केट बदल जाता है। तो हम ये कंक्लूड करें कि सारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में हम पढ़ेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट भी। मैक्रो इन्वायरमेंट में आपको पता है सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक, नेचुरल, पॉलिटिकल, सोशल। अब हम जल्दी से इनको भी हम एड ऑन करके पढ़ते हैं कि मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। मैक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट फोकस दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज पोजेस थ्रेट्स टू द डिफरेंट यूनिट्स। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल कल्चरल एनवायरमेंट। जैसे कि डेमोग्राफिक की बात करें तो डेमोग्राफिक में यहाँ क्या आता है, एज है, पॉपुलेशन साइज है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, साइज ऑफ फैमिली है, रूरल है, अर्बन है, तो ये सब डेमोग्राफिक में आता है। कहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे, एजुकेशन बैकग्राउंड, जेंडर क्या है। नेचुरल एनवायरमेंट में रॉ मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी जैसे होती है, लैंड है, वाटर है, मिनरल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज का इनको मैनेज करना जो नेचुरल एनवायरमेंट का पार्ट होता है और ये बिजनेस को एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आप सबको पता है, कंट्री जो इन्फ्लुएंस होती है वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से ही होती है। जैसे कि लेजिस्लेचर असेंबलीज होती हैं जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं। इसके अलावा जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जुडिशरी लेवल में आता है। तो ये लीगल इन्वायरमेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहलाता है। सोशल इन्वायरमेंट फैक्ट्स द सोसाइटी बेसिक वैल्यूज डिफरेंसेज एंड बिहेवियर, द बेसिक फॉर दिस फैक्टर इज फॉर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में आपका जो सिंबल है, चीजों को, कल्चर नीति को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, वो अगला पॉइंट आता है कल्चरल एनवायरमेंट। कल्चरल एनवायरमेंट का मतलब द कल्चर दैट पासेस फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम स्कूल्स, फ्रॉम कॉलेजेस टू कलीग्स, तो वो बेसिकली कल्चरल एनवायरमेंट होता है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज रिलेटेड ऑल अबाउट मनी एंड बिजनेस, तो वो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, जीएसटी आपने पढ़ाई होगा वो भी इसका पार्ट हो गया है, इन्फ्लेशन रेट, डिफ्लेशन रेट, कस्टमर इनकम, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट कर सकती हैं। इकोनॉमिक कंडीशन का मार्केट इज जैसे कि डिमांड है, सप्लाई है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट के बाद आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। भाई टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट हो सकती हैं, चेंजेस हो सकते हैं। मैटर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग, इट ऑल्सो इंडिकेट द बेस ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एनवायरमेंट। इंटरनेशनल एनवायरमेंट मतलब आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, जैसे कि आपका इसमें टेक्नोलॉजी में ही इंटरनेशनल एनवायरमेंट को एड ऑन कर दिया है। मैनेजिंग बिजनेस इन फॉरेन कंट्रीज, बाहर जब कंट्रीज के सेटअप्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है। फिर आपका लीगल एनवायरमेंट, लीगल में मैंने आपको बताया जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, इंडिया अकॉर्डिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फेमा, वर्क्स कंपनसेशन, दीज आर ऑल फैक्टर्स इंक्लूडेड इन मैक्रो एनवायरमेंट। एक छोटा सा एक पॉइंट के जो मैंने इस लेक्चर में आपको क्लब करके समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा एनवायरमेंट है वो दो तरह से होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रो इज दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो माइक्रो में आपके इंटरनल एलिमेंट्स आते हैं, मैक्रो में आपको जैसे बताया डेमोग्राफिक, लीगल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, ये सब एलिमेंट्स आते हैं। तो ये कंटेंट आपको वर्ड टू वर्ड फॉलो कर लिया जाएगा जिससे कि आप इसको आगे डिस्कस कर सकें। आई होप चीजें आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। थैंक यू क्लास।